हाय गाइस, सबके मन में यही एक सवाल है कि पबजी अनबैन होगा कि नहीं होगा। आज मैं आपको बता देता हूँ कि पबजी अनबैन होगा। रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें लिखा गया है कि मिनिस्ट्री सोर्सेस ने पबजी को परमानेंट बैन करने का डिसीजन लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज़ पबजी एक रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके वजह से मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स बिकते हैं और उसके अलावा डेटा भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि ये प्लेटफॉर्म को एक ही दम से बंद कर दे, बिकॉज़ इससे गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और पबजी द्वारा भी, जो टेंसेंट है उनसे भी अच्छा रिस्पांस आया है। सो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पबजी परमानेंट बैन होगा, ये वापस आएगा। और एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है जिसमें जियो और टेंसेंट के बीच में बात चल रही है। आपको बता दूं कि रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एज ऑफ डेट, जो हर सेक्टर में एक्सपेंड कर रही है। तो इसलिए ये जो हो रहा है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मुझे लगता है कि अक्टूबर तक तो गेम आ ही जाएगी। आप लोग वेट करो, टेंशन मत लो। और ये क्लियरली आपको मैं बता देता हूँ कि पबजी अनबैन होगा, बिकॉज सर्वर्स भी बैन नहीं हुए हैं, गेम अभी भी चल रही है, और आप सबको तो पता ही है कि गेम अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। और एक बात आप सबको बता देता हूँ, जब तक ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ना है तो किसी पे भी भरोसा मत करो, खास करके जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं उस पे तो असली भरोसा मत करो, वो चाहे मेरी वीडियो हो या किसी की भी। जब तक ऑफिशियली टेंसेंट से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, गवर्नमेंट से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, जियो से कुछ स्टेटमेंट नहीं आता है, तो किसी भी सोर्स से बिलीव मत करो और टेंशन लेना ही नहीं, बिकॉज़ पबजी आने वाला है, ज़रूर आएगा। जैसा मैंने आपको कहा है कि कोई भी रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल को बिजनेसमैन लोग डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग वेट करो, ऐसे टेंशन मत लो, और आपको पता ही है कि गेम चल रहा है, कहाँ डाउनलोड करना है और कैसे खेलना है। और इसके अलावा तो आपको अभी बहुत सारे अदर गेम्स भी आ गए हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत अच्छा गेम है, फिर फ्री फायर है और डेड बाय डे लाइट भी मोबाइल पे है, तो आपको ऑप्शंस बढ़ गई है। तो पबजी तो एक ट्रेंड सेटर है और ट्रेंड सेटर रहेगा। तो जिस चीज़ ने एक टोटली नई दुनिया क्रिएट करी है, तो उसे तो कोई भी बैन नहीं कर सकता है, ना हम, ना गवर्नमेंट, या ना जियो, ना टेंसेंट, ना चाइनीज़ वाले। तो आप टेंशन मत लो, अगले ही महीने मुझे लगता है गेम आ जाएगा, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट का वर्क बहुत स्लो होता है और फाइलें इधर से उधर मूव करने में टाइम लगती है। तो अनाप शनाप पे भरोसा मत करो, ऑफिशियल रिपोर्ट आने तक आप किसी भी सोर्स मत भरोसा करना, बिकॉज़ जो सच है वो एक दिन ज़रूर आएगा। और जब तक वेट करो, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्स क्या है हमारे पास अभी? फर्स्ट फैक्ट है कि सर्वर्स बंद नहीं हुए, गेम डाउनलोड कर सकते हो आप भी, और यह भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और पॉजिटिव डिस्कशंस चल रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव डिस्कशंस नहीं हो रहा है टेंसेंट और गवर्नमेंट के बीच में और अदर प्राइवेट प्लेयर्स में। तो वेट करो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।